अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ओके। तो 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, ओके। तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। तो इन दोनों के क्या फार्मूला होते हैं, तो फार्मूला क्या है मेरे पास, दो फार्मूला हम लोग लगाएंगे। 1 माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, एक। और 1 प्लस कॉस एक्स का क्या है हमारे पास, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। फार्मूला सब इस चैप्टर में लर्न करना इम्पोर्टेंट है, तभी ये आपको आगे लेके जाएगा और इजी लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, पुट कर दीजिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। तो इनमें से क्या हो गया, 2 2 को हो जाए, तो साइन और कॉस क्या होता है, 10। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 10 स्क्वायर एक्स बाय टू। अब इसको और एक्सपेंड करना है, तो 10 स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला, तो हम लोग को पता है, तो ये हम लोग जानते हैं, sec स्क्वायर थीटा। ये लोग पढ़ चुके हैं हम लोग 11 और बेसिक्स में पढ़े हैं, तो sec स्क्वायर थीटा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके। तो यहाँ पे एजी पुट कर देंगे हम लोग, क्या देखिए sec स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस 1, ये हो गया। अभी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स। अब क्या हो गया, ये डी एक्स के रेस्पेक्ट में, ये sec स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस 1, ओके। अब ये sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाय टू, और ये भी नीचे क्या हाफ, और 1 का इंटीग्रेट क्या होता है एक्स, तो एक्स हो जाएगा, और ये आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। तो बस, तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये 2 पर, तो 2 10 एक्स बाय टू एक्स प्लस सी, ठीक है। ये हो गया, ये इंटीग्रेशन, ये आपको आंसर हो गया।